एक ऐसा भगवान शिव का मंदिर जहां रखवाली करते हैं इच्छाधारी नाग और नागिन। जिंदा सांप चढ़ाने से होती है यहां पर मन्नतें पूरी। जी हां, आपने सही सुना। नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यूं तो धार्मिक जगह का अपना महत्व है और उससे जुड़ी कहानियां होती हैं, फिर भी कुछ धार्मिक स्थल इस प्रकार के होते हैं जो अपनी मान्यताओं और परंपराओं के चलते बिल्कुल अनूठे माने जाते हैं। कानपुर का ऐतिहासिक खेरेपति शिव मंदिर भी बिल्कुल ऐसा ही है। कहा जाता है कि इस मंदिर की रखवाली इच्छाधारी नाग और नागिन का एक जोड़ा करता है। मंदिर के पुजारी शिवराज शुक्ला के अनुसार हर वर्ष नाग पंचमी के दिन ये इच्छाधारी नाग और नागिन मंदिर में सुबह सूर्योदय के समय शिवलिंग की पूजा करने आते हैं। प्रचलित किंवदंतियों और मान्यताओं और कानपुर के इतिहास को देखने से पता चलता है कि इस मंदिर का निर्माण दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने करवाया था। कहा जाता है शुक्राचार्य की बेटी देवयानी का विवाह जाजमऊ के राजा आदित्य के साथ हुआ था। एक बार वह अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे। खेरपति मंदिर के नजदीक ही वह कुछ देर विश्राम करने के लिए रुक गए। इस दौरान उनकी आंख लग गई और उन्हें स्वप्न में भगवान शेषनाग ने दर्शन देते हुए उस स्थान पर शिव मंदिर बनाने की आज्ञा दी। शेषनाग ने कहा कि दैत्य गुरु यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करवाएं, जिसमें वह स्वयंवास करेंगे, यानी कि शेषनाग स्वयंवास करेंगे। स्वप्न से जागने पर शुक्राचार्य ने शेषनाग की आज्ञा अनुसार वहां विविधत शिवलिंग की स्थापना करवाकर मंदिर बनवाया। आज भी इस प्राचीन मंदिर में सावन के महीने में शिवलिंग का भव्य श्रृंगार किया जाता है और उनकी पूजा अर्चना भी की जाती है। वहीं दोस्तों, पुजारी शिवराम शुक्ला बताते हैं कि उनके पूर्वजों ने इस बारे में उन्हें जानकारी दी थी। वे स्वयं भी इस बात के साक्षी हैं कि प्रतिदिन नाग नागिन यहां पर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने आते हैं, लेकिन उनके दर्शन आज तक किसी को नहीं हो पाए। सुबह सवेरे मंदिर के कपाट खोले जाने पर शेषनाग के शीश पर दो ताजा फूल चढ़े हुए मिलते हैं और भगवान शिव पर भी पूजा सामग्री अर्पित पहले से हुई मिलती है। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि यहाँ पर नाना राव पेशवा हर सोमवार पूजा करने आया करते थे। एक बार उनका पीछा करते हुए अंग्रेज सेना ने उन्हें घेर लिया, तब वो किसी तरह बचते बचाते यहीं खेरापति शिव मंदिर में आए और यहाँ उन्होंने शरण ली। उन्हें पकड़ने के लिए जो ही अंग्रेजी सेना ने मंदिर में कदम रखा, अचानक ही चारों तरफ से सैकड़ों नाग निकल आए और जिन्हें देखकर अंग्रेज सेना वहां से भाग खड़ी हुई। तब से इस मंदिर के चमत्कारी होने की मान्यता आज तक प्रचलित है। दोस्तों, स्थानीय मान्यता है कि श्रावण मास पर खेरेपति धाम जाकर सांप खरीद कर शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाता है और घर से सांप अपने आप ही चले जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन सांपों के विषदंत नहीं तोड़े जाते, लेकिन फिर भी ये किसी को ना काटते हैं ना डसते हैं और ना ही किसी पर अपना विषैला तत्व छोड़ते हैं। दोस्तों, ये स्वयं साक्षात महादेव का ही चमत्कार है। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी खास जानकारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा।